तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। तो उससे पहले प्यारे बच्चों, हमें कुछ बातें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब हम बचपन में क्या पढ़ते थे, कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ते थे कि नहीं? बिल्कुल पढ़ते थे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता था कि अगर दो एंगल का सम आपका बेसिकली 90 डिग्री होता था, तो हम लोग क्या उसको कंसीडर करते थे, कम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल करते थे कि नहीं बच्चों? बिल्कुल करते थे। अब वही बात अगर हम करें सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, तो एंगल का सम कितना होना चाहिए था बताइए आप लोग? हाँ, सप्लीमेंट्री वाले हमने पढ़ा था भैया 180 डिग्री होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली देखेंगे कि दो आपको एंगल दिया रहेगा, ठीक है, मतलब 90 के रेस्पेक्ट में दिया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमें दे देगा कि भैया आप लोगों को, बस मैं एक बात में ध्यान दिलाना चाहता हूँ, देखिए पहला हमें 6 चीज़ें अगर हमें याद रहें तो हमारा काम हो जाएगा। पहला क्या कि भैया अगर साइन 90 माइनस थीटा दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कॉस ए होगी। अब कोई पूछेगा सर कैसे आएगी, यह सब बातें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं कि भैया साइन अगर 90 माइनस थीटा दिया तो क्या बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। और वहीं प्यारे बच्चों, आपका दूसरा अगर कॉस 90 माइनस थीटा दिया है तो यह भैया आपका साइन में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा, ठीक है, हम लोग थीटा कंसिडर करते हैं, ठीक है भैया बच्चों। अब वही बात हम लोग का थर्ड वाला आता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे आप लोग को याद करना है, ठीक है। पहला लोग समझ लेते, अगर आपको 10 90 माइनस थीटा दिया तो इसका क्या होगा बताइए आप लोग? 10 के बाद तो बेसिकली कॉट ही आता है ना, बताइए आप लोग? हाँ, तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब वहीं भैया कॉट की बात पूछ दे, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे बताइए आप लोग? हाँ, यह तो भैया 10 ही थीटा होगा, ठीक है। और हमारा जो फोर्थ सॉरी फिफ्थ आता है वह क्या आता है, सेक थीटा आता है, यानी सेक माइनस थीटा दिया है तो इसको आप कॉसेक थीटा कंसीडर करेंगे, ठीक बच्चों। और बच्चों अगर हमारा लास्ट फिफ्थ वाला अगर कॉसेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग सेक थीटा कंसीडर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को तो पैटर्न मिल गया, साइन कॉस आपस में बदलेंगे, कॉट और टेन आपस में बदलेंगे, कॉसेक और सेक आपस में बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों, बदलेंगे तो सब, अगर किसी भी एंगल के बीच में 90 लग गया तो जैसे हम लोग पैटर्न पढ़ेंगे, पहले हमारा क्या आता है, साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, कॉट आता है, सेक आता है, कॉसेक आता है। बस हमें दो दो को पेयर लेकर हमें आप लोग ट्रिक यही है भैया, क्या ट्रिक है बताइए? ट्रिक यही है बेसिकली भैया, आप लोग को दो पेयर लेके चलना है। क्या लेके चलना है ट्रिक में, हम लोग बस एक वर्ड में ध्यान रखेंगे कि हमें पेयर के साथ चलना है। जैसे हमारा साइन कॉस हमेशा साथ में आएंगे, टेन और काट हमेशा साथ में आएंगे और सेक और कॉसेक भी भैया आपके हमेशा साथ में आएंगे। बस प्यारे बच्चों, हमें क्या ध्यान में रखना है कि भैया हमारी जो बातें हैं किस में चलेंगी, पेयर में ही चलेंगी। इसी तरीके जैसे आपसे कोई पूछ दे प्यारे बच्चों कि आप बताइए कॉट 85 डिग्री मान लीजिए आपको दे दिया, तो पूछ दे भैया इसको आप लोग 10 में बदलिए, तो हम लोग प्यारे बच्चों कैसे बदलें बताइए आप लोग? हाँ, बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग उठाएंगे कॉट को, तो भैया हम 10 में बदल सकते हैं। तो 10 इंटू 90 माइनस 15 डिग्री करेंगे कि नहीं, तभी ना भैया हमारा सॉरी 5 करेंगे ना, हाँ तो हम करेंगे तो हमारा नहीं आ जाएगा कॉट 85 डिग्री आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। जैसे भैया आप लोग यहाँ पर रख लीजिए तो आपको करेंगे तो वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसको हम एक्सरसाइज की मदद से बढ़िया समझते हैं। बस हमें याद रखना कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारा पेयर वाइज चेंज होगा, कैसे चेंज होगा मेरे साथ बोलिए, पेयर वाइज। तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, क्या हमें दिया कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो बहुत आसान पहला हमारा क्वेश्चन। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, बस हमें क्या ध्यान रखना कि भैया हाँ हमारा साइन कॉस में बदलता है, टेन हमारा कॉट में बदलता है, और हमारा कॉसेक किस में बदलता है, सेक में बदलता है। तो प्यारे बच्चों, में क्या दिया है, साइन 18 डिग्री अपान क्या दिया है, कॉस 72 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, चलिए हमारे साथ करिए, हम लोग साइन को भैया कैसे बदलें कि कॉस में बदल जाए। तो बहुत आसान है, हम क्या करते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री तो हमारा रहेगा ही रहेगा। तो कोई पूछेगा सर आपने 90 माइनस 72 डिग्री क्यों किया? अच्छा प्यारे बच्चों, जब हम लोग 90 में से 72 माइनस करें तो यही आएगा कि नहीं, कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो हम लोग चेंज कर लिए, आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। तो बस अब हम जानते भैया, जब साइन हमारा 90 माइनस थीटा होता है तो वह क्या हो जाता है, वह आपका कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पर थीटा को लो कितनी है, 72 डिग्री है। अभी प्यारे बच्चों, हम लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन करके हमें समझ में आएगा, तो भैया यह थीटा है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा
यानी कॉस थीटा को बेसिकली आप लोग 72 डिग्री देख दीजिए, कॉस 72 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। अच्छा, कोई बालक कहता कि सर आप लोग साइन को मत करिए, आप लोग कॉस को चेंज करिए, तो चलिए भैया हम उसी को चेंज करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं साइन 18 डिग्री अपान, अच्छा प्यार बच्चों हम लोग कॉस 72 को हमें किस में बदलना है, साइन में बदलेंगे तभी ना कटेगा। तो भैया बदलने के लिए बस कोई काम नहीं। अच्छा मैं देखिए एक चीज़ लिख रहा हूँ, कॉस हम लोग 90 माइनस 18 डिग्री लिख रहे हैं, कुछ चेंज होगा बताइए कि नहीं? कुछ नहीं चेंज होगा, जब हम 90 में से 18 माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू 72 डिग्री आ जाएगी। तो भैया हमारा कॉस 72 डिग्री पड़ा ही पड़ा है, लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कम्प्लीमेंट्री वाला फंडा, तो हमारा क्या होगा साइन 18 अपान अपान कितना है बताइए आप लोग, आपका कॉस 18 आ जाएगा, दोनों कटकर वैल्यू 1 आ गई। तो हमने देखा क्या देखा, चाहे भैया आप कॉस को बदलिए चाहे आप साइन को बदलिए, दोनों पर आंसर आपका बेसिकली सेम ही आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, हमने ओवरऑल क्या समझा, आप साइन को बदलिए कॉस को बदलिए दोनों में से किसी को बदलिए तो हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा प्यारे बच्चों। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है, ये भी तो हमारा जस्ट इसी की तरह है। हम लोग 10 को क्या करेंगे कॉट में बदलने के लिए 90 माइनस थीटा के टर्म में बदल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और प्यारे बच्चों या तो आप लोग उल्टा कर सकते हैं, भैया कॉट को 10 में बदलने के लिए जस्ट उल्टा प्रोसेस कर दीजिए, ठीक है, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क आप लोग ईमानदारी से करिए करिए। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमें थर्ड क्या दिया कि भैया कॉस 48 डिग्री दिया है माइनस साइन 42 डिग्री दिया है। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग करने के लिए क्या करते हैं भैया, हम लोग कॉस को कैसे भी करके साइन में बदलते हैं। तो बस अच्छा मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, बताइए प्यारे बच्चों कुछ अंतर होगा? इसको जब आप माइनस करेंगे कॉस 48 ही आ जाएगा, तो कुछ बदल नहीं रहा, तो इसको तो हम इस तरह लिख ही सकते हैं। तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ से हम जब माइनस करेंगे तो अरे सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। तो हमारा जब हम जानते भैया कॉस हमारा किस में चेंज हो जाएगा बताइए आप लोग, हाँ आपका कॉस बेसिकली साइन में चेंज हो गया, यानी साइन 42 डिग्री माइनस यहाँ पे भी हमारा साइन 42 डिग्री है, भैया दोनों हमारे कट के आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना कि भैया एक बार हम 90 में बदल लेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा, वहाँ से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में, इसमें भी तो हमारा आसानी है, यह भी आपका होमवर्क है। जब क्यों होमवर्क है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए क्वेश्चन तो मैं सब करवा सकता हूँ लेकिन आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यह आपको करना ही होगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आप लोग ईमानदारी से करेंगे उसको और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा पहला पार्ट क्या दिया, 1048 डिग्री, ठीक प्यारे बच्चों सॉरी 1048 डिग्री और 1023 डिग्री सॉरी फिर मल्टीप्लाई में ही है 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। हमें भैया प्रूफ करना है भैया 1 लाना ही लाना है, तो देखिए हम लोग कैसे लाते हैं, इसका भी हमारा बहुत आसान है। क्यों, बस आप लोग एक बार ध्यान रखें, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि 10 इज 10 थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस 1 अपान कॉट थीटा होता है कि नहीं बताइए आप लोग, बिल्कुल होता है। बस यही फंडा हम लोग यूज़ करेंगे, हमारा काम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमारा जो 1048 दिया है तो इसको हम लोग क्या नहीं लिख सकते, 1090 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं बताइए आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों 10 हमारा 23 दिया है तो हम लोग 90 माइनस 10 67 डिग्री लिख सकते हैं, या हम लोग LHS को लेकर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा क्या बच रहा है, 1042 डिग्री बच रहा है और 10 हमारा 67 डिग्री बच रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। LHS को हम कंसीडर कर रहे हैं, RHS को हमें छेड़छाड़ करनी नहीं है। तो बस प्यारे बच्चों ये बताइए हम लोगों का 90 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किस में होगा 10 हमारा किस में चेंज होगा बताइए आप लोग, हमारा कॉट में चेंज हो जाता है, यानी कॉट 42 डिग्री इंटू ये अभी तो हमारा चेंज होगा 90 है, तो भैया चेंज होगा ये किस में चेंज होगा, आपका कॉट में चेंज होगा, यानी कॉट 67 डिग्री इंटू या हमारा 1042 डिग्री इंटू हमारा 1067 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि भैया कॉट को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग तो भैया जब 10 थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा सकते हैं, तो 10 कॉट को भी तो 1 अपान 10 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या तो भैया आप लोग कॉट को बदल दीजिए या तो 10 को बदल दीजिए, चलिए भैया हम लोग कॉट को बदलते हैं, तो क्या होगा 1 अपान 1042 डिग्री इंटू 1 अपान 1067 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू आपका 1067 डिग्री। तो भैया हमारा ये भी इससे कट जाएगा, यह हमारा इससे कट जाएगा, वैल्यू बेसिकली 1 आ जाएगी, 1 इक्वल टू 1 यानी LHS आपका
आपका RHS के इक्वल हो गया। तो हमने सब प्रूफ कर लिया कि नहीं, बहुत आसानी से प्रूफ कर लिया। तो बस प्यारे बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारी वैल्यू आपकी साइन और कास में दी रहेगी तो हमें उसे 1090 के फॉर्म में बदल के उसे हमारा काम कर लेना, ठीक प्यारे बच्चों। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो इसमें दिया है कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, इसको हम लोग कैसे करेंगे यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें भी भैया हम बस 90 वाले फॉर्म में ला के कर लेंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। उससे पहले प्यारे बच्चों एक बार आप लोग इसको जरूर से जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया, इफ 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूटेंगल, मतलब कि जो आपका 2a वैल्यू है वह क्या है, एक्यूटेंगल यानी 90 से बड़ा नहीं है। तो हमें भैया बेसिकली पता करना है a की वैल्यू। देखिए हम लोग इसको कैसे अप्रोच रखते हैं, तो आप लोग क्या दिया है 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया कि नहीं, बिल्कुल दिया। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग करते क्या है, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं भैया, देखिए सबसे पहले हमें अप्रोच क्या रखनी है कि अगर हम भैया कैसे भी करके इसको अगर हम कॉट में बदल लेंगे तो कॉट कॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस हम वही फंडा अप्लाई करते हैं। तो हमने पढ़ा है 10 को हम बदलने के लिए क्या करेंगे, बताइए आप लोग। हाँ हम लोग करेंगे 90 माइनस थीटा, क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 2a, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू बेसिकली 2a है कि नहीं, बहुत आसान है। तो इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो प्यारे बच्चों हमारे यहाँ से कॉट कैंसिल हो गया, यानी आपका 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो बेसिकली हमारा कुल मिला जुला कर 3a हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इक्वल टू जब हमारा प्यारे बच्चों यह हमारा माइनस 18 इधर पहुँचेगा तो 8 और यह हमारा 10, यानी a की वैल्यू बेसिकली आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगी। तो बहुत आसान है कि नहीं बच्चों, बहुत आसान। हमें क्या अप्रोच रखनी है कि भैया कैसे भी करके हम लोग 10 को 10 से या आपको कॉट से आप लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारा वह ए और बी की वैल्यू तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें बी भी पूछता तो, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए भाई हमारा फोर्थ में बी पूछ रहा है कि भैया हमें प्रूव करना क्या है, इफ 10a इज इक्वल टू कॉट बी प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यह वाला क्वेश्चन तो भैया बहुत ईजी है, इसे भी आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से। देखिए क्या दिया, 10a इज इक्वल a इक्वल टू कॉट b, तो हमें क्या है, बस हमें ध्यान रखना है भैया हमें कैसे भी करके 10 और कॉट को क्या करना है, आपस में कट करना है। तो 10 से कॉट तो कटेगा नहीं कटेगा, तो बस हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं कॉट 90 माइनस a, वही 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर हमने a थीटा की जगह हमारा a है, तो इक्वल टू कॉट b, तो भैया कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 90 माइनस ए इक्वल टू बी, तो भैया आपका a इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी a प्लस बी, तो हमारा यही प्रूव करना। तो भैया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यह भी हमारा आ गया। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं फिफ्थ वाला प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग होमवर्क बहुत ईमानदारी से करिएगा, ठीक है। इसे करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इसमें क्या करेंगे, बस प्यारे बच्चों सेक को भैया हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में, कॉसेक में कन्वर्ट कर देंगे, या तो आप लोग कॉसेक को किस में कन्वर्ट कर दीजिए सेक में, लेकिन वह हमारा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा तो हम उसे नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे बताइए आप लोग, हाँ हम लोग सेक को कॉसेक में कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। और हमारा तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सिक्स के बारे में। क्या हमें दिया कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें शो करना है साइन ए बी प्लस सी बाई टू। तो देखिए हमें बहुत आसान है, तो सबसे पहले हमें दिया कि यह बात हमारे किसकी हो रही है, ट्रायंगल के बारे में हो रही है। तो भैया कुछ एंगल मान लेते ए बी सी, तो हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, बताइए आप लोग, हाँ 180 डिग्री होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग LHS को कंसीडर करके चलते हैं, तो भाई यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा बताइए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस ए डिग्री, ठीक है। यानी ये को भैया हम इधर लेते चले जा रहे हैं तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों हमें क्या दिया है, साइन क्या दिया है बी एंगल बी प्लस एंगल सी अपन क्या दिया है 2 दिया है। चलिए भैया हम इसको करते हैं, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 180 माइनस ए डिग्री डिवाइड बाई 2, यह हमारा साइन की हो गया, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग भैया जानते हैं कि भैया चलिए अगर हम जानते हैं भैया 2 प्लस एक्स किसी से हम 2 का डिवाइड करते तो भैया हमारा 2 का दोनों में डिवाइड होता है कि नहीं, बताइए आप लोग,
हाँ बिल्कुल होता तो बस हम भैया दोनों में डिवाइड करते, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा साइन 90 हो जाएगा कि नहीं, 180/2। चलिए हम लोग पूरा लेते हैं, 180/2 माइनस a/2 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो बस प्यार बच्चे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा साइन 90 माइनस a/2 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब हम जानते हैं प्यार बच्चों की जो हमारा साइन है 90 पर आने से तुरंत चेंज हो जाएगा तो किस में होगा बताइए आप लोग, कॉस a/2। यही हमें RHS में प्रूव करना, तो हमारा काम हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो बस प्यार बच्चों हमें ध्यान क्या रखना कि भैया एक बार मैं समराइज करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, हम लोग जाने भैया ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस हमने दिया है हमें भैया बी और सी दे दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं ए को भैया उधर भगा देते हैं, इधर भाग जाएगा तो इसकी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वहीं पर बच्चों इस तरह एक नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको ए और बी की वैल्यू दे दे, सी की वैल्यू पूछ दे, तो उसको भी तो हमने निकाल ही सकते, बस हम भैया अब सी को भगा देंगे। तो बस हमें ध्यान यही रखना है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं सेवन के बारे में, इसमें क्या दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ रेशियो बिटवीन 0 से 75, मतलब कि भैया जो हमें दिया 67 तक दिया है, लेकिन हमें इसको छोटे एंगल में करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे बताइए आप लोग। ये वाला तो क्वेश्चन भैया आँख मूंद कर कोई बच्चा कर सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जान रहे हैं भैया कि अगर हमारा साइन 67 डिग्री दिया है और क्या दिया है कॉस 75 डिग्री दिया है, तो हम लोग करते क्या प्यारे बच्चों, इसको हम 90 वाले टर्म में कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा बताइए आप लोग, साइन 90 माइनस 23 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो भैया आप लोग करेंगे तो वही आ जाएगा 67 प्लस आपका कॉस आपका 90 माइनस 15 डिग्री, तो आप लोग बदलेंगे तो यह हमारा क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा वाला हो गया। तो हम लोग जानते भैया जब हमारा 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, पटक से चेंज हो जाता है, तो यह आपका कॉस 23 डिग्री आ जाएगा या आपका साइन 15 डिग्री आ जाएगा। तो हमें जैसा कहा था कि भैया 0 से 45 डिग्री में वैल्यू रहनी चाहिए, है कि नहीं, या हमारा 15 या हमारा 23 है, हो गया कि नहीं, बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों आप इसी तरीके क्वेश्चन आपके पास जो साइड बुक आरडी शर्मा हो या RS अग्रवाल दोनों से लगाते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछ लिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज के लिए धन्यवाद।